वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स में स्वागत है। मैं अभिषेक आज आपके सामने एक हॉट टॉपिक लेकर आया हूं जो है NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायरेक्टली गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यानी समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। तो मैंने आनन फानन में कोई वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या किया है ये देखिए। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि MHRD के द्वारा तैयार की गई है। सबसे पहले मैंने इसको डीपली स्टडी किया गया है कि ये जानने के लिए कि जो हमें दिखाया जा रहा है या जो बताया जा रहा है क्या वो वास्तविक है। यदि वास्तविक नहीं है यानी क्या वो चीजें बिल्कुल ठीक तरीके से बताई जा रही हैं जिस भी माध्यम से YouTube के थ्रू, यदि नहीं बताई जा रही तो वास्तविकता क्या है। मैं ये वास्तविकता लेकर ही आपके सामने आया हूं कि यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसको किस प्रकार पढ़ाना है, कैसे उसकी आगे शिक्षा होगी, जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या स्कोप है। इसके अलावा यदि आपको ऐसे लिखना पड़ जाए या आप इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां पे आपके सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो आप इन चीजों का जवाब अच्छे से दे पाओ। देखिए, जो सबसे पहले जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो आपके सामने वीडियो आएंगी वो एक सीरीज होगी, जिस सीरीज को मैंने बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले में हम उसका जो उसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानेंगे कि भाई NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है, इससे पहले जो जो रिफॉर्म हुए हैं वो क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में। NEP के बारे में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गठन कैसे हुआ और इसकी क्यों आवश्यकता हुई। थर्ड होगा स्कूल एजुकेशन कि अब जो स्कूल एजुकेशन में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंज देखने मिलेंगे। देखिए, जो कि स्कूल और हायर एजुकेशन जो कि हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको हो सकता है कि 5-5, 6-6 ये वीडियो भी मिल जाए, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में जैसे आपको पता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम आया हुआ है एजुकेशन में, और तो उसके पीछे क्या मोटिव था, क्या होगा, टीचर बनने के लिए क्या क्या कोर्स करना पड़ेगा, स्कूल में किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो ये सारे की सारी चीजें हम उसमें बात करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर एरिया भी होंगे जैसे कि टेक्नोलॉजी में कैसे क्या होगा, टेक्नोलॉजी का किस प्रकार यूज किया जाएगा, वो सारी चीजें। कंक्लूजन पे भी हम पहुंचेंगे कि इसका लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे सारी चीजों को। और इसके अलावा जो मेनली ये जो सोर्स हैं जहां से हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूं। सबसे बड़ा सोर्स तो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा जो कि सोर्स है वो है जैसे ही जो एक्सपर्ट हैं जो कि मेनली राज्यसभा TV पे आते हैं, उनके पॉइंट्स भी लिए गए हैं। जो मैगजीन, जो कि काफी मैगजीन ऐसी हैं जैसे कि आप देखे जाएंगे दृष्टि, द विजन, इनकी जो भी मैगजीन है वहां से भी कुछ व्यू लिए गए हैं। इसके अलावा जितने भी एडिटोरियल्स हैं, एडिटोरियल से भी मेन पॉइंट उठाए गए हैं, और जो टीवी पे जो डिबेट आती है वहां से भी पॉइंट उठाए गए हैं। यानी इन चीजों का एक सभी को ग्रुप करके, ग्रुपिज्म करके, इसको कोलैबोरेट करके ये सारी की सारी चीजें आपके सामने दिखाने की कोशिश रहेगी। और इसमें जो कि मेन है कि भाई बच्चे और टीचर मेन है, क्या रेशो होगा, कितनी टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, और तो उन सारे की सारी चीजों को एड्रेस किया जाएगा। तो ये चीजें हम स्टार्ट करेंगे कल शाम को 7 बजे से। आपको डेली एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर प्रोवाइड होगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद।